नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय बागीशायस्य भगने लक्ष्मीर्यस्य च भक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् माधव माधवावीशौ सर्वसिद्धि विधायिनौ वंदे परस्परात्मानौ परस्परो नुति प्रियौ अम्भोधिस्थलताम् स्थलं जलधिताम् धूलिलवशैलताम् मेरुर्मृतकणताम् तृणं कुलिशताम् वज्रं तृणप्रायताम् वह्निशीतलताम् हिमं दहनताम् आयाति यस्येच्छया लीला दुर्ललित अद्भुत व्यसनिने देवाय तस्मै नमः ज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्याम् विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्याम् विश्वेशतत्त्वप्रतिबोधिकाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ऐंकार ह्रींकार रहस्ययुक्त श्रींकार गोलार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्म प्रतिबोधिकाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निधिबोधयुक्तं योगींद्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं याइदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयं भुवं नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौरपदं महान्तं गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं मथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंचोटकं बालत्रिकारं अन्यान् अस्मद्गुरून् संततम् आनतोऽस्मि स्मृति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं
नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन्मङ्गलं परम् अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंशयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः ओङ्कारश्चात्र शब्दश्च द्वयेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। शुक्ल यजुर्वेदी ईसा भाष्य उपनिषद पर विचार चल रहा है, उसी को आगे बढ़ाते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ईशावास्मिदग्वं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन चित्तेन भुंजी था मां गृधा कशिश धनम कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजि विषय छतग्वं समाहा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता ताघ्वंस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति येके चात्महनो जनाः अनेज देकं मनसो जवीयो नैनद देवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो न्यानत्तेति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरिष्वादधाति तदेजति तन्नयेजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदुसर्वस्यास्य बाह्यता यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सति यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत्
विजानता तत्र कोमो आकाशोको एकत्वं अनुपश्यतः। इसी मंत्र तक कल तक विचार किया गया था। संक्षेप से एक बार फिर दोहरा लो। प्रथम मंत्र में कार्य कारण भाव बताया गया, कारण से कार्य व्याप्त हुआ करता है और कारण से कार्य भिन्न अथवा जुदा नहीं हुआ करता है, किंतु कारण रूप ही हुआ करता है। जगत कारण ईश्वर है, इसलिए ईश्वर का कार्य होने से जगत भी ईश्वर रूप है। यह अवश्य है कि कारण सत्य होता है, कार्य कल्पित होता है, सत्य नहीं होता। जैसे माटी कारण है, घटमट कार्य है, तो माटी सत्य है। अनंत घटमट माटी से बनते हैं, पुनः मिट जाते हैं, पर माटी से जुदा नहीं है, माटी रूप ही। जल कारण है, तरंगें कार्य हैं, जल सत्य है और जल से उत्पन्न होने वाली तरंगें मिथ्या हैं, असत्य हैं। तथापि मिथ्या तरंगें सत्य जल से जुदा नहीं है, किंतु जल में वही केवल केवल जल रूप ही सभी तरंगें हैं। जैसे अग्नि कारण है, अग्नि से उत्पन्न होने वाली ज्योतियां चिंगारियां कार्य हैं, सो ज्योतियां चिंगारियां सत्य नहीं है, अग्नि सत्य है। अग्नि से चिंगारियां उत्पन्न होती हैं, अग्नि में रहती हैं, पुनः अग्नि में लीन हो जाती, सत्य अग्नि से रह जाती। एक तो ये कार्य कारण भाव होता है और दूसरा अध्यास और अधिष्ठान भाव होता है। जैसे रज्जु में सर्प दंड माला, तो रज्जु तो सत्य है और रज्जु में प्रतीत होने वाली सर्प दंड माला ये बिल्कुल कल्पित है, माने तीनों काल में है ही नहीं, केवल रज्जु के अज्ञान से सर्प दंड माला की प्रतीति होती है। और जब प्रकाश करने से रज्जु का ज्ञान होता है तब सर्प दंड माला की प्रतीति नहीं होती है। अध्यास अधिष्ठान भाव में अधिष्ठान रूप कारण को कुछ बनना नहीं पड़ता। रज्जु अधिष्ठान है सो ज्यों की त्यों रहती है, वो सर्प दंड माला बनती नहीं है, किंतु रज्जु के अज्ञान से रज्जु ही सर्प दंड माला के रूप में प्रतीत होती। तो ये अज्ञान का ही परिणाम है, अज्ञान ही सर्प दंड माला बन बैठा है। रज्जु तीनों काल में ज्यों की त्यों है, सर्प है ही नहीं, तो इसमें रज्जु को कुछ बनना न पड़ा, अज्ञान ही सर्प रूप दंडमाला का रूप धारण कर लिया। अब अज्ञान मिटा तो सर्प दंडमाला कुछ नहीं। इसी प्रकार से अधिष्ठान सच्चिदानंद ब्रह्म है और हमारा तुम्हारा आत्मा है। आत्मा ज्ञान आज जगत भाति, आत्मज्ञान न भासते। आत्मा के अज्ञान से ये जगत रूपी संसार रूपी सर्प भासता,
और जब आत्मा का ज्ञान होता है तब नहीं भासता है। तो आत्मा का जो अज्ञान है वो अज्ञान ही संसार बन बैठता है। संसार रूपी सर अपने स्वरूप का न जानना जो अज्ञान है वो अज्ञान ने ही संसार का रूप धारण कर लिया। आत्मा कुछ बना नहीं, क्योंकि आत्मा निर्विकार है, एक रस से उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो हमारा तुम्हारा स्वरूप आत्मा निर्विकार है। अपने स्वरूप के न जानने से ये न जानना रूप अज्ञान यही संसार बन गया है। और जब आत्मा का ज्ञान होता है तो संसार नहीं रहता है। तो ये अध्यास और अधिष्ठान रूप कारण है और अध्यास रूप ये कार्य है, माने बिल्कुल भ्रांति, कुछ बना वाला नहीं। और दूसरे जो माटी के, जल के, अग्नि के दृष्टांत दिए गए हैं वो कार्य कारण भाव के। इनमें कारण को थोड़ा कार्य रूप में बनना पड़ता है, माटी को घटमट के रूप में बनना पड़ता है, जल को तरंग के रूप में बनना पड़ता है, अग्नि को चिंगारियों के रूप में प्रकट होना पड़ता है। ये कार्य कारण भाव, फिर भी कार्य अपने कारण से जुदा नहीं होता। बस संसार की उत्पत्ति में हेतु यही मुख्य दो दृष्टांत है, कार्य कारण भाव या अध्यास और अधिष्ठान भाव। दोनों में एकत्व है। अध्यास की निवृत्ति अधिष्ठान में हो जाती है तो एक अधिष्ठान रह जाता है, और कार्य की निवृत्ति अपने कारण में हो जाती है तो सत्य कारण रह जाता है। बस ये दो रीति है संसार की उत्पत्ति के बताने में। तो अधिष्ठान रूपी कारण यही उत्तम दृष्टांत है, क्योंकि अधिष्ठान ब्रह्म है या हमारा आत्मा है, वो विकारी नहीं होता, कुछ बनता नहीं है। इसलिए हमारा आत्मा अधिष्ठान है और ये संसार अध्यास रूप है, अपने आत्मा में ब्रह्म रूप दिखता है, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए अधिष्ठान से भिन्न कुछ है ही नहीं। अध्यास इस दृश्य में सत्य बुद्धि सुख बुद्धि त्यागना चाहिए, आत्मा में ही सचित आनंद बुद्धि करना चाहिए। दूसरा मंत्र जो देहाभिमानी है उनको बताने के लिए, जिसको देह में अभिमान हो वो देह में होने वाले कर्मों को वेद विहित रीति से जीवन पर्यंत किया करे, तो पाप रूपी कर्म उनको लिपायमान नहीं करेगा। यदि निष्काम भाव से कर्म करेगा तो अंतःकरण की शुद्धि हो करके भगवत प्राप्ति का साधन बनेगा, और सकाम करेगा तो संसार की प्राप्ति होगी। ये दूसरे मंत्र का अभिप्राय है। और तीसरा मंत्र सकाम कर्म चाहे कैसे भी हो उनकी निंदा करता है, क्योंकि सकाम कर्म या पुण्य ही करेगा या पाप ही करेगा। पाप कर्म तो निषिद्ध कर्म है, वो विधि नहीं है, तो उससे असुर लोकों की प्राप्ति होगी, माने असुर भाव को प्राप्त होगा। और जो पुण्य कर्म करेगा तो देवलोक को प्राप्त होगा, देव शरीर उसको मिलेगा।
परंतु जन्म मृत्यु से मिटाने वाले ये दोनों नहीं। जन्म मृत्यु से तो आत्मज्ञान ही मिटा सकता है, छुड़ा सकता है। इसलिए कर्मों की निंदा किया है। क्योंकि अविद्या, काम, कर्म ये सब लोकों में रहते हैं। अविद्या अपने स्वरूप का ज्ञान और संसार की भोगों की कामना, क्या देवताओं में, क्या आसुरों में। जब देवताओं में ही है तो क्या आसुरों में तो है ही, वो तो अत्यंत तमोगुण। इसलिए उनकी दोनों की निंदा की गई। कामना की पूर्ति के लिए फिर कर्म करते हैं। कामना की पूर्ति हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। तो कामना की पूर्ति में किसी ने विघ्न डाला तो फिर क्रोध आ जाता है। और क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है, ज्ञान नष्ट हो जाता है। सो अपने स्वरूप से वो भ्रष्ट हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। बुद्धि का नाश हो जाए तो सर्वनाश हो जाता है। ये काम कर्म अविद्या से यही सब बार बार जन्म मरण चालू रहता है। इसलिए कर्म मात्र की, शुभ अशुभ दोनों कर्मों की इस मंत्र में निंदा की गई सकाम कर्मियों की। निष्काम कर्म तो अंतःकरण के शुद्धि का कारण बनता है, वो बंधन का हेतु नहीं होता है। तीसरा मंत्र इस प्रकार से निंदा रूप हो गया। और चौथा मंत्र, पांचवा मंत्र और छठा मंत्र और सातवा मंत्र इनमें सब में आत्म तत्व का ही निरूपण किया गया। आत्मा तत्व, आत्मा आकाश के समान व्यापक है, नेरे भी है, दूर भी है, आकाश कहाँ नहीं है। ऐसे ही आत्मा नेरे भी है, दूर भी है, और सबके भीतर भी है और सबके बाहर भी है। जैसे आकाश सबके भीतर भी है, बाहर भी है, पास से पास ये पोला ही और दूर से दूर भी है। और आत्मा असंग है, किसी के गुण दोष से कभी मिलता नहीं। इस प्रकार से इन मंत्रों में बताया गया। और छठे सातवें मंत्र में ये बताया गया कि जो अपने आत्म तत्व को एक रूप से जान लेता है कि मुझसे भिन्न ये कार्य कारण रूप संसार कुछ है नहीं, तो फिर वो किसी से घृणा नहीं करता है, अपने आप को समझता है। जैसे अपने शरीर में फोड़ा हो जाए तो कोई घृणा नहीं करता है। अपने शरीर का मल मूत्र धोना हो तो कोई घृणा नहीं करता, दूसरे के मल मूत्र से घृणा करता है। तो जब अपना ही रूप हो जाएगा सारा संसार, तो फिर घृणा किससे होगी। और जिस काल में अपने जिस आत्म स्वरूप में या मनुष्य एकत्व दर्शन करता है कि एक आत्मा के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, तो जो भय होता है, शोक होता है, दुख होता है, तो दूसरे से हुआ करता है। द्वितीयाद वही भयम्भवति,
निश्चय ही दूसरे से भय होता है, अपने से तो किसी को भय होता नहीं। जब भी भय होगा दूसरे से हो, तो जो एकत्वदर्शी है तत्व को मोह कह शोक एकत्व कष्ट, उसको भय कहा उसको शोक का। ये सातवें मंत्र में बताया गया है। अब आठवां मंत्र पढ़ते हैं। सपर्यगा शुक्रमकायम वृणु मश्नाविरग्वं शुद्धम पापविद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतोर्थान व्यदधाच्छास्वतीभ्यः समाभ्यः। ये आठवां मंत्र ब्रह्म स्वरूप का वर्णन कर रहा है। ब्रह्म ही हमारा तुम्हारा आत्मा, इसलिए आत्मा और ब्रह्म का एक स्वरूप होने से आत्मा का निरूपण हो चाहे ब्रह्म का निरूपण हो, एक ही बात है। सपर्यगात, वहां जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है उस सर्वत्र व्यापक है, सब जगह गया हुआ है। पर्यगात सर्वत्र गया हुआ है, चारों तरफ व्यापक है। और शुक्रम माने शुद्ध स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। शुक्रम सपर्यगा शुक्रम काय, शुक्रम अकायम माने सूक्ष्म शरीर रहित है, काया रहित है। सूक्ष्म शरीर में 19 तत्व है, उसको समझ लो। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 19 तत्वों को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। 5 ज्ञानेन्द्रियों के नाम हैं श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण। कर्मेंद्रियों के नाम हैं वाक, वाणी, पाद, पायु, पष्ट। प्राणों के नाम है प्राण, पान, व्यान, समान, उदान। अंतःकरण के नाम है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 19 तत्वों का इस स्थूल शरीर के भीतर दूसरा सूक्ष्म शरीर। तो ये सूक्ष्म शरीर से रहित है आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व। अकायम अव्रणम अस्नाभिरम, व्रण कहते हैं कोई घाव को, स्नायु कहते हैं नस नाड़ियों को। तो ये स्थूल शरीर का निषेध कर रहे हैं, वो स्थूल शरीर से रहित है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में तो कोई फोड़ा फुंसी और नस नाड़ियां आए नहीं, स्थूल ही शरीर में होती है। तो अव्रणम से और अस्नाभिरम से स्थूल शरीर का निषेध किया गया। अव्रणम अस्नाभिरग्वम शुद्धम, शुद्धम शुद्ध से कारण शरीर का निषेध किया गया। अपाप विद्धम, किसी प्रकार का उसमें पाप या पुण्य नहीं है। अपाप विद्धम, कभी कभी कहते हैं कि कभी से ईश्वर का ग्रहण करना
विद्या रूप माया उपाधि वाला ईश्वर कवि है माने सर्वज्ञ है। कवया क्रांत दर्शिना, क्रांत माने अतीत दर्शी, अतीत काल माने भूतकाल को जो देखता है वो वर्तमान को भी देखता है और भविष्य को भी देखता है, इसलिए ईश्वर को कवि कहा गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, हे अर्जुन वेदा हम समतीतानि और वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि पर माम तु वेदो न कश्चन। अर्जुन मैं भूतकाल में जितने अतीत काल में जितने भूत प्राणी हो चुके हैं उनको जानता हूँ और वर्तमान में है उनको जानता हूँ और भविष्य में होंगे उनको जानता हूँ, सारे संसार के भूत प्राणियों को जानता हूँ, इसलिए ईश्वर सर्वज्ञ। और माम तो वेद न कश्चन, मुझको कोई नहीं जानते हैं क्योंकि जितने जीव हैं वो अल्पज्ञ है और मैं ईश्वर सर्वज्ञ। तो कभी का अर्थ हुआ ईश्वर। और मनीषी कहते हैं मन का प्रेरक, मन इसी मन का ही सत माने प्रेरक, परंतु मन से देह इंद्री मन बुद्धि प्राण और प्रकृति सबको ले लेना चाहिए। माया प्रेरक सी, ईश्वर तो सर्व का प्रेरक है, मन तो केवल उपलक्षण मात्र है, इसे सबका ग्रहण करना, सर्व का प्रेरक है, इसी को ऋषिकेश भी कहते हैं। ऋषिक नाम इंद्रियों का है, मन बुद्धि का है, प्राणों का है, प्रकृति का है, चराचर जगत का नाम ऋषिक है। माया सहित चराचर जगत का जो प्रेरक हो है, उसको कहते हैं ऋषिक। ईश गुण हो गया तो ऋषिकेश बन गया। तो ये मनीषी का अर्थ और ऋषिकेश का अर्थ एक ही होता है। कबीर मनीषी परिभू, और वो सबसे परे है माने आगे है, माया से माया के गुणों से, प्रकृते परा पुरुषा सा काष्ठा सा परागति, प्रकृति से पुरुष ब्रह्म परे है, वही काष्ठा है माया और माया के कार्य संसार की काष्ठा नाम सीमा का है, माने उसी से माया द्वारा संसार उत्पन्न होता है, उसी में रहता है, उसी में लीन हो जाता है, इसीलिए वो ब्रह्म सीमा रूप हो गया और स्वयं ब्रह्म असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए परिभू कहा गया, सबसे ऊपर, जो सबसे ऊपर हो है उसको परिभू कहते हैं। अस्वयंभू ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, राम कृष्णादिकों के रूप में, उसका कोई जन्मदाता नहीं है। स्वयं भू, स्वयं ही भू माने भवती, जो अपने आप स्वयं ही हो जाए उसको स्वयं भू कहते हैं। तो ईश्वर स्वयं ही अपनी माया करके प्रकट हो जाता है, इसलिए ईश्वर का जन्म देने वाला और कोई दूसरा नहीं है, अपने आप जिस रूप की इच्छा करता है उसी रूप में प्रकट हो जाता है, ऐसी उसकी महामाया शक्ति है, संकल्प शक्ति है, इच्छा शक्ति है। तद इच्छत बहुश्याम पर जाए,
इच्छा करता है बहुत हो जाऊं तो विश्व विराट रूप भी बन जाता है, इसलिए उसको स्वयंभू कहते हैं। परिभू स्वयंभू, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, याथा तथ्य तोर्थान वेदात छास्वतीभ्यः समाभ्यः। संवत्सर नाम के जो देवता हैं अथवा इंद्रादिक देवता हैं, वायु देवता है, अग्नि देवता है, सूर्य देवता है, और ये काल मृत्यु भी है, ईश्वर होने से सबके ऊपर है, वो स्वामी है, देवताओं का राजा है, सम्राट है, तो वो क्या करता है? यथा योग्य, जिसमें जो योग्यता है उनकी योग्यता के अनुसार, यथा तथ्य यथा योग विधान, माने उनको कर्मों का विधान करता है। सूर्य को प्रकाश का विधान करता है कि तुम प्रकाशक हो तो 3 लोक 14 भुवन में प्रकाश किया करो। वायु को चलने का, प्राण प्रदान करने का कार्य सौंपता है। अग्नि को जलने का, सबका भोजन बने, उष्णता से भोजन बनेगा, सर्दी लगी हो तो ठंडी दूर हो जाएगी, और प्रकाश से, दीपक में प्रकाश आएगा तो घर का अंधेरा दूर होगा, सूर्य में प्रकाश आएगा तो ब्रह्मांड का अंधकार दूर होगा। तो जिसकी जैसी योग्यता है उसको वैसा कार्य सौंप दिया। और वरुण देवता को वर्षा का काम सौंपा है, जल का देवता है वरुण, उसको वर्षा का काम सौंपा है। और यमराज को, ये संसार में जो बहुत वृद्ध हो जाए उनको मारने का काम सौंपा है, काल को, मृत्यु को। जैसे कोई महाराज का जो बगीचा हो है, उसमें माली रखा जाता है, जंगल में कोई माली नहीं रखता, पर निजी बगीचा हो है जिस मालिक का, तो वो माली रखता है। तो माली का क्या काम होता है? जो पुराने पेड़ हुए उनको काट देवे और नवीन नवीन बढ़िया पेड़ लगावे, जिसमें सदा बगीचा हरा भरा बना रहे, ये काम उसको सौंपता है माली को। और जो अशोभायमान हो तो काट छाट करके शोभायमान बनावे, जिससे बगीचा सदा सुंदर बना रहे। जब राजा घूमने जाए अपने बगीचे में, मालिक घूमने जाए तो प्रसन्न हो जाए। फिर ये काल रूपी माली को ये संसार बगीचे का काम सौंपा है, सुन निरालस्य हो करके ये काल भी यही काम करता रहता है, और कोई भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है। जैसे कोई भी राज कर्मचारी राजा के आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, उल्लंघन करे तो दंड पावे, ऐसा राजा का भय होता है। भयादस्याग्निस्तपति भयात तपति सूर्य, भयात इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचम। ईश्वर के भय से सूर्य तपता है, अग्नि तपता है, वायु चलता है, इंद्रादिक देवता अपना अपना काम करते हैं, और मृत्यु दौड़ा दौड़ा फिरता है, ऐसा ईश्वर का भय है।
इस मंत्र में पहले तो शुद्ध स्वरूप ब्रह्म का ही निरूपण किया गया, फिर वो माया उपाधि से वही ब्रह्म ईश्वर कहलाता है, तो फिर संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करता है, और फिर जगत की व्यवस्था के लिए इन सब देवताओं का अपने अपने काम में नियुक्त करता है। तो ईश्वर का निरूपण किया गया, पर ये माया उपाधि से जगत की उत्पत्ति पालन करता है। शुद्ध स्वरूप तो ईश्वर का भी ब्रह्म ही होता है, माया उपाधि त्याग करके ब्रह्म ही होता है, और जीव की भी उपाधि अविद्या है उसको त्याग करके ब्रह्म ही होता है। ब्रह्म ही माया अविद्या उपाधियों में ईश्वर और जीव कहलाता है, माया विद्या त्याग दिया तो शुद्ध ब्रह्म ही है। माया विद्या विहाय उपाधि पर जीव यो हो तब अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्म ही लक्ष्य, ये मंत्र यही बताता है। इस प्रकार से सज्जनों, इस उपनिषद के इस आठवें मंत्र में ईश्वर जीव और शुद्ध सच्चिदानंद अखंड ब्रह्म, इनका तीनों का निरूपण कर दिया गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।